बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शीबा फ़हीम और आप मुझे देख रहे हैं टिप्स एंड हिट्स पे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन सैंडविच। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और उनकी कोशिश होती है उनको डेली लंच यही मिले। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ कुछ ब्रेड मैंने साइडें उतार दी थी और कुछ की आपके सामने कटिंग करती हूँ। साइडें ये देखें, बहुत मोटी साइडें हैं, ये देखें कटिंग नहीं की, ब्रीक कटिंग की है। इस तरह आप भी कटिंग कर लें और इनको ज़ाया मत करें, इनके ब्रेड क्रम्स बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन जो लिया है वो चेस्ट लिए हैं, दो चेस्ट ले लिए थे। उनको हल्का सा नमक लहसुन अदरक डाल के बॉयल कर लिया था। साल्ट लिया हसबी ज़रूरत, वाइट पेपर हसबी ज़रूरत, मायनीज का एक कप लिया, शिमला मिर्च लिया एक अदद ब्रीक कटिंग की हुई, बंद गोभी लिया है ब्रीक कटिंग की हुई, केचप लिया 3 से 4 टेबलस्पून। तो चलें जी इनको साइड पे करते हैं और आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये आज की रेसिपी बहुत इजी है और आपको इजी मेथड से समझाऊंगी। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप घर में मेहमान आए, टी टाइम हो, पार्टी टाइम हो, तो इजीली तैयार कर सकती हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे इस तरह, उसमें ये चिकन के जो रेशे कर लेंगे बारीक बारीक। इसमें नमक और पानी लहसुन अदरक के अलावा कुछ डाल के मैंने नहीं इसको बॉयल किया। तो ये देखें ये 1/2 kg के बराबर चिकन है, इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था। इसको सबसे पहले बाउल में ऐड कर लेंगे, फिर इसमें हम बंद गोभी ऐड करेंगे, ब्रिक कटिंग की हुई है देखें। अब शिमला मिर्ची ब्रिक कटिंग की हुई है 1 अदद, वो ऐड कर लेंगे। अब इसमें व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे, व्हाइट पेपर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, यहाँ व्हाइट ही कीजिएगा, ब्लैक मत कीजिएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा आपका, तो आपके जो सैंडविच है वो भी काले हो जाएंगे। तो ये देखिए जी हसबी ज़रूरत मैंने कुछ थोड़ी सी छोड़ दी है। नमक मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ ऐड कर लिया था चिकन में। ये मायनीज ये हम 1 कप ऐड कर रहे हैं, देखिए अगर आपका चिकन थोड़ा थोड़ा जूसी है तो यहाँ आपको इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, अगर नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा मायनीज की ज़रूरत पड़ेगी वरना थिक हो जाएगा मेज़ा। तो ये देखें ये सारा ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद केचप ऐड करेंगे इसमें। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है अभी और थोड़ी देर पहले धूप भी निकली है और धूप में भी बारिश हो रही है। अल्लाह पाक रहम करे जी, करम करे, अपना खास फजल करे पाकिस्तानियों पे, बहुत बारिशें हो रही हैं। तो जी यहाँ केचप भी ऐड कर दिया, 3 से 4 टेबलस्पून केचप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी अगर आपको नमक मिर्च कम या ज़्यादा लगे तो आप दोबारा ऐड कर सकती हैं। तो मैं जो ये वाइट पेपर पड़ी है थोड़ी सी वो भी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ मिर्च कम लगी है। तो सारी ऐड कर लेंगे अच्छे से, पहले इसको अच्छे से ऐड कर लें केचप को, ताकि आपका केचप जो है मेज़े में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें आप सुनाएं आपके सिटी का वेदर कैसा है जी। यहाँ तो अभी मौसम वैसा ही है और सुनने में आया कि अभी अगस्त तक बारिशें शदीद रहेंगी, पर अल्लाह पाक करम करे। ये देखें मिक्सचर रेडी हो गया है, मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं खाली, उसमें फिलिंग करते हैं चिकन की, अच्छे से एक स्पून लेंगे उसकी मदद से फिलिंग करेंगे और एक नाइफ लेंगे जिससे आप ब्रेड पे जैम वगैरह लेते हैं वो वाली नाइफ ले लें इजीली, ये इसकी फिलिंग हो जाएगी इस तरह, अच्छे से कर लीजिएगा चारों कोनों में, आप मेज़ा लगा दीजिएगा। देखें अब इसके ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे, ब्रेड का स्लाइस पहले अच्छे से इसे लगा दें, चारों कोनों में इस तरह इसको टेढ़ा हमने कटिंग कर लेना तिरछा। ये देखें दोनों तरफ हाथ अच्छे से रखिएगा ताकि आपकी ब्रेड खुले ना और टूटे भी ना। ये आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, देखें जी बहुत ज़बरदस्त 1 बाय 1 हम सारी
सैंडविच इसी तरह रेडी कर लेंगे और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है, कोई कोना छूटे ना। ये बच्चों को आप बना के देंगे ना तो यकीन माने बच्चे आपके डेली कहेंगे कि ये बना के दें और शौक से खाना पसंद करेंगे। जिन वालदेन का शिकवा है, जिन माओं का स्पेशली कि ये बच्चे हमारे कुछ नहीं खाते हैं तो सिर्फ दूध की हद तक या कुछ और नहीं, तो ये बनाकर एक दफ़ा दें तो आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, आपको गेन और गेन तंग करेंगे कि दोबारा बना के दें हमें ये रेसिपी। तो ये देखिए जी, हमने दूसरी भी रेडी कर ली है, दिखाती हूँ। इसी तरह हम सारी सैंडविच अपनी तैयार कर लेंगे, आपके सामने सारी रेडी करूंगी। आजकल बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो ये चीजें बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, आप टी टाइम खुद भी इंजॉय कर सकते हैं इसे बना के। ये देखिए सारे कोने अच्छे से फिलिंग कर लेने हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं भी टेस्ट ना आए आपको चिकन का। ये भी रेडी हो गया। आप जो अमेजा बच जाए ना उसे आप सेव भी कर सकती हैं फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे के लिए, फ्रीजर में मत रखिएगा। फ्रिज में अगर आपकी फ्रिज की कूलिंग अच्छी है तो निचले वाले हिस्से में रखें अच्छे से पैक करके, तो नेक्स्ट डे कर लें इसका अमेजा जो बच गया हो उसको नेक्स्ट डे सैंडविच बना लें या शाम को बना लें तो खराब नहीं होगा, मगर आपकी फ्रिज की कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। ये लास्ट सैंडविच हम रेडी कर रहे हैं, ये देखिएगा मेरी बेटी अभी से आके बैठ गई है खाने के लिए और उसकी बर्दाश्त बस बस हुई पड़ी है कि कब उसे मिले खाने को। तो जी ये रेडी हो गए हैं, तो जो रह गया है वो फिर हम कर लेंगे रेडी शाम को या कल को। तो ये देखें इसको केचप के साथ सर्व करेंगे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, यकीन करें एज आ टेस्ट और इसकी शक्ल देखें तो बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं, साइडें बस आपने उतार देनी है इसकी याद से। और ये आपको करीब से दिखाती हूँ, देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के डिलीशियस। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो पाकिस्तान पे भी रहम और करम करे अपना, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कुछ जगहों पे सैलाब आ चुका है, तो अल्लाह उन लोगों के हाल पे भी रहम करें। तो दुआ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।